पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे कि 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से कितना रुपया भेजा वो नहीं बताते, मगर मैं बता दूं चिचोड़ा वालों को, मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपया भेजा था। कितना भेजा था भाई, जोर से बोलो भाई, कितना? मोदी जी ने 2,00,000 करोड़ को बढ़ाकर 6,50,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा 5,00,000 करोड़ का नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एरोड्रम, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रिफाइनरी आदि, सोलर पार्क दिए, इंडस्ट्रियल पार्क दिए, और मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को सशक्त करने का काम किया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 93,00,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब आप, मैं कहता हूं आपको, हमारा घोषणा पत्र आ चुका है, यहां कमल फूल की सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार, किसानों को 6,000 मिल रहा है उसको 12,000 करने का काम हमारी सरकार। 65,00,000 गरीब घरों को नल से जल दिया, 3,70,00,000 गरीबों को 5,00,000 तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है। अब हमारी बहन को विधायक बना दो, ये 5,00,000 तक का खर्चा मिलता है, ये 10,00,000 तक का हो जाएगा, ये हमारा वादा है। 80,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए, और 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब ये 5 किलो अनाज मिलता है, ये और 5 साल बढ़े।